कोरोना के कम होते मामलों के बीच एक तरफ जहां कई राज्यों में लॉकडाउन को खोल दिया गया है, वहीं महाराष्ट्र में अभी प्रतिबंध जारी है। इसके बाद भी मुंबई सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखा जा रहा है। इस मामले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने चिंता जताई। उन्होंने कहा, मुंबई के लोगों से सख्त लहजे में कहा कि अगर ट्रैफिक ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें एक बार फिर से सख्त पाबंदियाँ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहनों को देखकर वह काफ़ी हैरान है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध हटाने को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, फिर भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो उन्हें सख्त पाबंदियां लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नमस्कार, हम अभी फाउंटेन की तरफ से वही भाईंदर की खाड़ी की तरफ, हमारे साथ में एक रिक्शा चालक है, उनसे हम बात करेंगे क्या दिक्कत हो रही है। वो अभी जाके आया है दहीसर टोल नाके की तरफ से। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम राम बाबू। राम बाबू जी, अभी आप जब जाके आए तो वहाँ पे जाने आने के लिए दे रहे हैं आपको कि नहीं दे रहे? बिल्कुल जाने नहीं दे रहे हैं, हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं। बिल्कुल अच्छा। जाने के लिए रास्ता ही नहीं, बिल्कुल कैसा कैसा करके पूरा रिक्शे वाले सब निकल निकल के कैसा रास्ता बना के हम लोग यू टर्न मार के कैसा भी आए वहाँ से। अच्छा, रिटर्निंग बिल्कुल जगह ही नहीं है। मगर जहाँ तक हमारे शासन ने सुना है कि वहाँ पे हम जब जा रहे हैं बम्बई में जा रहे हैं तो हाँ। किसी के पास वैलिड कार्ड रहेगा, आईडी कार्ड रहेगा तो उनको अंदर भेजा जा रहा है, और रिक्शा वालों को कोई तकलीफ नहीं है अभी तक? अरे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, रिक्शे को भी रुका के साइड में जो है पैसेंजर को, उसके आईडी नहीं है, कोई गरीब जनता है उसको परेशान कर रहे हैं लोग। अच्छा हाँ। और हालांकि कितनी गर्दी रहेगी फाउंटेन? बहुत गर्दी है भाई साहब, पूरा ये फाउंटेन तक आ गया आपका, समझ लीजिए यहाँ ऊपर ब्रिज तक। अच्छा हाँ, यानी सुबह से ही ये सब? सुबह से ही है, सुबह से ही है, सुबह से ही। तो अभी बम्बई में जो गाड़ियाँ गई है वो रिटर्न आ पाएगी? मुश्किल है, उनका आना मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा टोल नाका ब्लॉक करके रख दिए है। धन्यवाद सर।